किम साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, ये पार्ट टू है। ये क्या पार्ट, अभी हम लोग पार्ट टू देखेंगे। ये पार्ट उनमें हम लोग कहाँ से 1 to 19 क्वेश्चन तक किए थे, आज हम लोग क्या करें 19 to जितना हो सकता है उस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से सीख चुके कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना इन एग्जामिनेशन। तो लिस्ट फर्स्ट डिस्कस, क्या बोला, द ग्राउंड स्टेट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पिन अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज पॉसिबल कोबाल्ट नाइन टेट्राहेड्रल। अब हमें क्या बोल दिया, देखो ये टेट्राहेड्रल बताया, टेट्राहेड्रल कौन सी मेटल लिया, कोबाल्ट 2+। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले 3D7 4S2, ये जो क्या है 2+ है, इस 2+ को हटा दो, क्या आ जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन 3D7। और D7 को अब लोग हम लोग क्या कब करेंगे, फिल करेंगे इसमें 1 2 3 4 और ये 5, देखो 6 7। अब कितने एन पे रिलोक्ट हो, 3 है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ से निकाल लोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर क्या 2S+1, 2 × SS कितना 3/2+1, इसका मतलब 4, हमारे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 आएगा। अब टर्म देखो, अगर ऐसे अगर क्या देखो, अगर हमें टर्म निकालना, ये क्या +2, ये +1, ये 0, -1 -2, तो कितना हो जाएगा बताओ, हमें L का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ गए तो H P D F ये हो गया। अब H P D F क्या, L बराबर 3 है, मतलब D आएगा और इसका F आएगा। तो इसके इसका ट्रांजिशन देखने के लिए हमने इसका क्या ना ट्रांजिशन देखने के लिए हम लोग इसका ऑर्गल डायग्राम का हेल्प लेते हैं। तो ऑर्गल डायग्राम देखो, ये क्या है ऑर्गल डायग्राम, देखो हमें क्या कोबाल्ट प्लस 2 का क्या दिया था, टेट्राहेड्रल दिया था। अब टेट्राहेड्रल देखो, ये क्या D7 है, D7 टेट्राहेड्रल। अब जो हमारा ग्राउंड स्टेट क्या है A2, अब देखो हमारा कहां शुरू, A2 से शुरू, ये T1 से ट्रिपलेट से ये खत्म हो गया, ये ट्रिपलेट शुरू कर दिया, ये खत्म हो, कहां से होना चाहिए A2 से। अब देखो हमारे पास ऑप्शन 2 है, एक सी ऑप्शन और एक ए ऑप्शन, देखो ए, अब कितने क्या पूछा, नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कब होता है, जब हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाए सेम रहता है और हमारे डेल्टा एल का वैल्यू प्लस माइनस 1 रहे, उस समय हमारा क्या हो रहा था अलाउड ट्रांजिशन होता, हमारा क्या होना चाहिए डेल्टा एल इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो अलाउड ट्रांजिशन होता है, क्या था अलाउड ट्रांजिशन। देखो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबका क्या आएगा 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, कितने ट्रांजिशन 1 2 और ये 3, कितने ट्रांजिशन अलाउड है हमारा 3। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये गलत हो गया, हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या पूछा, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, क्या है केमिकल बॉन्डिंग, तुम्हें टॉपिक वाइज भी बता रहा हूं, इससे पहले ये कौन सा चैप्टर था का कोऑर्डिनेशन का था। ठीक है, ये कौन सा केमिकल बॉन्डिंग का, तुम्हें टॉपिक वाइज भी बताते जा रहा हूं ताकि तुम्हें रिवीजन करने में आसानी हो किस तरह से क्वेश्चन अप्रोच करना। अब बताओ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ज्योमेट्री, हमें क्या पूछा है ज्योमेट्री, हमें शेप और ज्योमेट्री में बताओ क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा ज्योमेट्री होता है इसमें लोन पेयर क्या करते हैं काउंट करते हैं, लोन पेयर क्या करते हैं काउंट करते हैं, जो हमारा शेप होता है इसमें हम लोग लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। चलो अब बताओ देख लेते हैं BH2, बताओ ये क्या हो जाएगा BHH, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर,
क्या हो जाएगा, लीनियर। देखो बोथ क्या है, लीनियर कहाँ पर है, बी एच टू ट्राइगोनल, ये तो हो गया हमारा। अगर बी एच थ्री रहता तो ये क्या होता, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। क्या ये बी एच ट्राइगोनल पर कट गया, बोथ लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर है, ये एन एच टू। अब ये एन एच टू है, एन एच एच एक क्या है, लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बताओ ये क्या आ जाएगा, एन एच टू तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो खत्म हो गया। अब क्या ट्राइगोनल प्लेनर होगा, नहीं होगा। देखो इसके पास हमारा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दो दो चार छह इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। लोन पेयर काउंट करेंगे तो ये क्या, ट्राइगोनल, एन एच टू क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और बी एच टू लीनियर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या समझ में आया, अगर नहीं आया समझ, देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बी एच टू, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता, बी एच एच कुछ इस तरह से होता, तो बताओ ये क्या है, लीनियर है, और हमारा क्या दिया, एन एच टू पॉजिटिव, तो बताओ इसका क्या क्या लिखते, एच एच, अरे क्या लोन पेयर, और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ स्ट्रेचिंग, ये कहाँ से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तुम देख लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितना भर भर का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सबसे हमें सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बताना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल दो, या इसी को ऑर्गोनोमेटलिक, मेटलिक भी बोल सकते हो, किसी एक में रख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग किस में रखते, किसी में भी रख लो, हमें क्वेश्चन से मतलब है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये जो हमारा सीओ है, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगा, जब हम इसको मेटल से कनेक्ट करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के, ये अपने पास खींचेगा, तो ये क्या, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, तो बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बताओ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर देखो ये क्या है, मेटल और यहां पर निगेटिव चार्ज है, देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर देखना है तो सबसे पहले मेटल पर पॉजिटिव चार्ज देख लो, क्या देखना, पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा मेटल पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। देखो यहां पर टू माइनस है, इसका मतलब ये सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। देखो सबसे कम कहां पे, देखो ये सबसे कम होना चाहिए, उसके बाद देखो यहां पर माइनस है, यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब माइनस वाला पहले आना चाहिए, तो ये हमारा ये आ गया, उसके बाद ये सबसे ज्यादा किस पे आना चाहिए, प्लस वाले पे, सबसे ज्यादा प्लस वाले का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो इसका एक लॉजिक होता है बनाने के लिए, सबसे पहले क्या देखना चाहिए, मेटल पे फोर सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखना है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए, कॉम्प्लेक्स जो तुम्हारा दिया है, कॉम्प्लेक्स पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब कहने का मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज हो, इस तरह से ऑर्डर तुम बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो द रिएक्शन, ये क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म से, रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस क्या तुम्हारा दे दिया जाए, टेस्ट, टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, द रिएक्शन ऑफ टू फोर डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, अब सबसे पहले टू फोर डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, क्या होता है ये स्ट्रक्चर बताओ, ये हमारा यहाँ पर फ्लोरीन टू फोर डाइनाइट्रो, टू पर एक नाइट्रो ग्रुप लगा दो और फोर पर एक नाइट्रो, ये टू फोर डाइनाइट्रो हो गया हमारा प्रोडक्ट, ए येल्लो ऑरेंज सॉलिड। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करा है, हाइड्रोजीन के साथ,
अब हाइड्रोजन क्या होता है ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब क्या होता है हाइड्रोजन प्लस एनएच टू और एनएच टू, ये हमारा हाइड्रोजन होता है। अब इसके साथ रिएक्शन करा जा रहा तो बोल रहा एक सॉलिड प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉलिड एक्स बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर बताना। तो बताओ ये क्या, देखो जब भी हम एक जनरल बता रहा, जब भी हमारा कोई यहाँ पर लिविंग ग्रुप, क्या लिविंग ग्रुप और उसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा और साथ में तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल देता, तो यहाँ पर ये अटैक करता है और ये बोन जो ये ओपन हो जाता है, इसको लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता। जहां पर लिविंग ग्रुप का पोजीशन रहता है उस पोजीशन पे हमारा एक नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता। इस रिएक्शन का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में, कौन सी रिएक्शन है जल्दी से बताओ। इस रिएक्शन का क्या नाम है, SNAR, न्यूक्लियोफिलिक सब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन नहीं दिया हमें, 2,4-डाइनाइट्रो क्या दिया, फ्लोरोबेंजीन दिया है, 2,4-डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन दिया है प्लस एनएच टू और एनएच टू दिया है। तो ये बताओ ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहां पर करेगा इसको लिव क्या कर देगा, हटा देगा फ्लोरिन ग्रुप, क्योंकि फ्लोरिन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। बट यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ से निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाता है एनायन, तो यहाँ पर क्या एनएच, यहाँ पर एनएच टू बन जाएगा, यहाँ पर एनओ टू और यहाँ पर एनओ टू, देखो ये बना। अब हमारे देखो ऑप्शन में क्या बना, एनओ टू, ये तो सही है, यहाँ पर देखो ये नहीं बनेगा हमारा, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन ए और बी में हमें बताना आइडेंटिटी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जी फंक्शनल ग्रुप जी एंड एक्स। ठीक है, अब कोई फंक्शनल ग्रुप बताओ, कौन सी फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप जी। अब इसका आप आइडेंटिफिकेशन करना तो बताओ कार्बोक्सिल, अब ये दोनों तो कट गया कट गया। अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड है, देखो अगर हम इसमें क्या करें कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऐड कर देंगे तो क्या ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। अगर हम इसमें एल्डिहाइड कर देंगे, डाल देंगे, क्या कर देंगे एल्डिहाइड, तो ये अमीन के साथ क्या हाइड्राजोन बना लेगा, जिसके कारण से ये कंपाउंड एल्डिहाइड का टेस्ट दे देगा, क्या दे देगा एल्डिहाइड का टेस्ट दे देगा। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द स्टेबिलिटी ऑफ एडक्ट्स, अब एडक्ट्स ये बना रहा फॉलोइंग ऑर्डर। अब हमारा एडक्ट क्या, एक तो बी एफ, तो देखो एच है, ये एच है, ये एच है, ठीक है, और प्लस साथ में क्या दिया है यहाँ पर एन एच है, एच है, एच है। अब बताओ ये क्या लोन पेयर है, ये हमारे पास का एक वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये कितना, ये डोनेशन जो होता है इसी को क्या बोलते हैं एडक्ट, एडक्ट और वेस्ट एडक्ट, वेस्ट एडक्ट कौन बना था, एक गुड ल्यूस एसिड प्लस गुड लेविस बेस, लेविस बेस ये जहां पर मिलता है वहां पर वेस्ट अडक्ट बनता है। तो बताओ देखो यहां पर क्या दिया है हमारा, ठीक है देखो हमारा बी एफ एच थ्री बी तो कॉमन रखा, चेंज क्या 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 यहाँ पर एन एम ई थ्री ले लिया है, एन एम ई थ्री ले लिया है और ओ एम ई थ्री ले, ओ एम ई टू ले लिया, ओ एम ई टू ले लिया और क्या लिया सी ओ ले लिया और पी एफ थ्री ले लिया। अब बताओ इसमें जो अगर डोनेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्या ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, इस एन एम थ्री, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपेयर में कम है तो ये स्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा इडक्ट बनाएगा। देखो एन एम थ्री यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये दोनों तो कट गया, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी कट गया एन एम थ्री से। अब ओ एम ई टू यहाँ पर पी एफ थ्री,
अब ओ एम ए टू ये क्या है, इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास बट फास्फोरस के पास क्या है एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, जिसके कारण से ये डोनेशन नहीं करवाएगा उतने अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पीरियड का, जिसके कारण से ये इसका जो लोन पेयर है डी इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण से ये डोनेट उतना नहीं कर पाएगा। इसका ये डोनेट करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा बी बी उसके बाद, तो इसका मतलब ए भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, इस तरह से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ये क्या है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। देखो क्या पूछा है, द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है ठीक है, एंड इट्स हैवियर आइसोटोप एनालॉगस टू एक्स बाय जेड वेरी विद द रोटेशनल क्वांटम नंबर जे। अब जे के साथ हमारा डेल्टा ई, इधर क्या एनर्जी लिया, तो डेल्टा ई बराबर हमारा क्या होता है 2b इंटू जे प्लस 1, इसको 2bj प्लस 2b, बताओ ये हमारा क्या कांस्टेंट, बताओ यहाँ से डेल्टा ई, अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो एक इंटरसेप्ट आएगा, तो बताओ यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट नहीं दिया, ये गलत हो गया। देखो ऑप्शन छाटना सीखो, कैसे ऑप्शन को हम लोग इनिमिनेट करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें क्या दिया है, यहाँ भी इंटरसेप्ट, यहाँ भी इंटरसेप्ट, यहाँ भी इंटरसेप्ट, ये तीन में कोई भी हो सकता है। अब हमें ड्रॉ करना, देखो अब हमारा जो बी है, बी है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, रिड्यूस मास का ठीक है। अब बताओ जैसे हम लोग एच और ए डी और डी लेते हैं, तो बताओ इसका रिड्यूस मास ज्यादा होगा या इसका रिड्यूस मास ज्यादा होगा, क्या होता है 1 × 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 × 1/2 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मास कितना 2 × 2/4, तो रिड्यूस मास का क्या होता है, रिड्यूस मास का बी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका रिड्यूस मास ज्यादा हो जाता, अगर ये डिक्रीज करेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा, तो एक्स बाय डैश का स्लोप क्या हो जाएगा कम होगा। देखो एक्स बाय स्लोप का यहां पर भी कम है, यहां पर भी कम है, यहां पर भी कम है, तो इसका मतलब अभी भी सही है। क्या ये दोनों एक ही पॉइंट सेम पॉइंट से जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि स्लोप तो डिफरेंट है ठीक है, और इंटरसेप्ट क्या डिफरेंट हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा बी चेंज कर गया, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। जब बी क्यों चेंज किया हम सर, तो बी इसलिए चेंज किया क्योंकि हमारा रिड्यूस मास चेंज कर देगा, और जो बी होता है बी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास का, रिड्यूस मास चेंज किया तो बी चेंज किया, इसका मतलब दोनों सेम पॉइंट से नहीं जाएगा ये ठीक है। ठीक है, क्या इसका स्लोप दोनों का सेम रहेगा, नहीं, क्यों नहीं सेम रहेगा, क्योंकि ये बी का वैल्यू हमारा चेंज कर गया, जिसके कारण स्लोप का वैल्यू भी चेंज कर रह जाएगा, इसका मतलब दोनों का स्लोप डिफरेंट ये और ये हो सकता, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन डी क्या हो गया जाएगा, इसका डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो द रेशियो ऑफ, ये क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ये क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर से ठीक है। अब क्या पूछा है, द एनर्जी द रेशियो ऑफ टू पी द ट्रांजिशन एनर्जी, अब एनर्जी का डिफरेंस पूछा, तो एनर्जी बराबर क्या होता है बताओ, -13.6 जेड स्क्वायर ठीक है इंटू 1/(n²)1 - 1/(n²)2। अब कहां से कहां पूछ रहा है, 2 से 1 में। इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए हीलियम के लिए लिखे, इसी तरह से हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, चलो पहले इसका वैल्यू पुट कर देते, -13.6 जेड स्क्वायर, तो जेड क्या हो जाएगा बताओ 2 का स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू, क्योंकि हीलियम का जेड क्या होता है जेड बराबर 2 ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा 1/(1²)-1/(2)2। इसी तरह से डेल्टा ई फोर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा -13.6 × 1² × 1/(1²)-1/(2)2
का स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लेने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या रेशियो ही पूछ रहा है ना, तो रेशियो ले लो, डेल्टा ई वन बाई डेल्टा ई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेशियो जब लोगे तो ये से ये कट जाएगा, ये ऊपर में फोर डिवाइड बाई वन इन टू ये से ये कट जाएगा, तो हमारा क्या वन, हमारा क्या आ जाएगा रेशियो फोर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन से टॉपिक से पूछा गया, देखो ये हमारा फेज इक्विलिब्रियम से पूछा गया, क्या पूछा गया, फेज इक्विलिब्रियम से पूछा गया। देखो फेज इक्विलिब्रियम ये क्या, वाटर का, और वाटर का सभी स्टूडेंट को पता होता है क्या होता है फेज इक्विलिब्रियम, ये हमारा गैस होता है, ये हमारा गैस होता है, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये देखो ये लिक्विड करते ये गलत हो गया, ये हमारा क्या होता है ये गैस होता है, ये लिक्विड कर दिया ये गलत हो गया, ये लिक्विड ये गलत हो गया, ये गैस है सही है। अब बताओ इसका स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है ना, इसका P वर्सेस T के, अब हम किसके किसके बीच, P वर्सेस T के बीच में ग्राफ करते हैं, तो P वर्सेस T के बीच में सही, ये तो गलत है, देखो T वर्सेस P के बीच में ग्राफ करते ये तो गलत है, अब ये कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हें पता होना चाहिए किसके किसके बीच में ग्राफ में ड्रॉ करेंगे क्या हमारा ग्राफ, अगर टी वर्सेस पी के ग्राफ बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा ग्राफ, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सीओ स्ट्रेचिंग बैंड इन द आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब हमारा क्या दे दिया एफ ई सीओ फाइव दे दिया, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर टी बी पी होता है, देखो ये हमारे पास ये कौन से टॉपिक का, ऑर्गोनो ऑर्गोनोमेटेलिक, ठीक है हमें ऑर्गोनोमेटेलिक से ये पूछा गया बताओ इसमें आईआर एक्टिव आईआर कितना बर्न आएगा, देखो ये सीओ है, ये सीओ है, ये सीओ, ये सीओ और ये सीओ, ये सीओ, ये सीओ, ये सीओ मिलकर कितना बर्न देगा वन, क्यों, क्योंकि सभी के सभी क्या है सेम है, और हमारा ये सीओ और ये सीओ एक है, दोनों क्या सेम है, तो ये एक बैंड यहाँ से आएगा, टोटल बैंड कितना होगा वन प्लस वन इक्वल टू टू, हमारा टू बैंड यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल, कितना सिंपल क्वेश्चन, ये क्या है सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम्हें आ रहा स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ क्या स्टीरियो केमिस्ट्री, कौन सा सीओ सेम है कौन सा डिफरेंट है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री हमें बता रहा, तो इसीलिए तुमको अगर एग्जाम में बैठ रहे हो तो स्टीरियो केमिस्ट्री, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री और जीओसी ये तुम्हारा ध्यान है केमिस्ट्री का, ठीक है, ये हमें अच्छे से आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोला, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, हमारे पास रिएक्शन दिया क्या पूछा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बताओ डेल्टा जी बराबर क्या होता है माइनस आर टी एल एन, क्या होता है के एस पी के इक्विलिब्रियम माइनस आर टी के इक्विलिब्रियम, ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा बताओ आर टी, आर का वैल्यू कितना रखोगे माइनस 8.314 इंटू एल एन के इक्विलिब्रियम पता चल जाएगा, टेम्परेचर कितना रखोगे, टेम्परेचर देखो दिया है कितना 2500, देखो अब गिब्स फ्री एनर्जी कितना दिया 118 इंटू 10 के पावर 3 जूल पर मोल इक्वल टू माइनस कितना दिया रे 8.314 इंटू कितना 2500 इंटू एल एन के इक्विलिब्रियम, इसको सॉल्व कर लेना तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या कह रहा ना इसको आंसर आ जाएगा, तुम बताना कमेंट करके कितना आएगा, अगर सही तुम्हारा आंसर रहेगा तो मैं उसको हार्ट दे दूंगा, ठीक है, ताकि तुमको पता चल जाए ये हमारा सही था, इसको बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, चलो कर लोगे, चलो ठीक है, तो 18000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा रे 8.314 इंटू 2500 इंटू एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है, यह तुम्हें कैलकुलेट करना है, जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना। देखो ये क्या तुम्हारा क्या बेसिक से, ये तुम्हारा बेसिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब हमारा
बताओ ये OPH है, OPH को रिप्लेस कर दिया PH से, बताओ इसका, देखो इसका, अब हमारा ये कहां से, ये कब निकलेगा OPH, कब निकले, जब ये क्या स्टेबल होगा। देखो अगर इसको स्ट्रक्चर खोल के लिखो तो ये क्या फिनोक्साइड आयन, ये क्या रेजोनेंस से स्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये तो निकलना चाहेगा, इसका मतलब ये फेवरेबल है। अब क्या है देखो ये NH2 है, अब ये NH2 यहां से निकलेगा, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज, ये भी फेवरेबल है। क्या ये देखो यहां पर क्या Cl, अब H प्लस और Cl माइनस, क्या ये Cl यहां पर अटैक करेगा, नहीं, Cl एक क्या है गुड लिविंग ग्रुप है, ये इससे, ये क्या है बैड लिविंग ग्रुप, अमीन क्या है बैड लिविंग ग्रुप, तो क्या सबसे पहले Cl निकल जाए, तो ये तो बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा ही नहीं। अब क्या H2O, अब H2O दिया है तो यहां पर अटैक करेगा, अब बताओ H2O और अमीन में कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप है, OH, क्यों, क्योंकि OH O निगेटिव निकलेगा तो यहां पर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, यहां पर नाइट्रोजन पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो सो ये भी फॉरवर्ड नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए और बी हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, किसके द पी के वैल्यू ऑफ मेलोनिक एसिड, अब बताओ मेलोनिक एसिड क्या होता है, ये हमारा ओ एच, देखो डबल बॉन्ड ओ, ओ एच डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा मेलोनिक एसिड क्या है, मेलोनिक एसिड है। अब हमारा क्या एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, अगर पी के लो तो एसिडिक स्ट्रेंथ हाई। अब बताओ क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट पी के, अब इन दोनों में से बताओ कौन सा मोर एसिडिक है, ये हमारा क्या है मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। ठीक है, तो द फर्स्ट पी के ऑफ माइलोनिक एसिड इज लोअर, मोर एसिडिक है तो कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, सही है, ये तो सही है, हमारा माइलोनिक एसिड का फर्स्ट पी के वैल्यू क्या लो होना चाहिए, द फर्स्ट पी के वैल्यू माइलोनिक है हायर, ये गलत हो गया, द बोथ फर्स्ट पी के वैल्यू माइलोनिक लोअर, ये सही है, बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड माइलोनिक एसिड इज हायर, हायर तो होगा ही नहीं, लो होगा, इसका मतलब हमारा ए और सी में से कोई होगा, ए और सी में से हो सकता है। अब देखो अगर क्या बोला, एंड व्हाइल द सेकेंड पीके हायर देन द पीके पीके ऑफ एसिटिक एसिड, अब जो इसका इसका 2.73 के आसपास आता है पीके वैल्यू, पीके वैल्यू फर्स्ट, देखो जो हमारे पास माइलोनिक एसिड है, माइलोनिक एसिड क्या है, ये OH है, ये OH है, इसका अगर फर्स्ट फर्स्ट हम लोग क्या निकाल दें H प्लस, तो ये हमारा पी के फर्स्ट कितना हो जाता है 2.73 के आसपास होता है, जब यहां से हम ये प्रोटॉन भी निकाल देते हैं तो इसको बोलते हैं सेकेंड पी के, जब ये निगेटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, और ये हमारा इसको बोलते हैं पी के कितना के आसपास 5 के आसपास पहुंच जाता, और हमारा एसिडिक एसिड का कितना होता है 2.3 के आसपास होता है, ठीक 2.93 के 3 के आसपास होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सेकेंड होना चाहिए हायर होना चाहिए, किसका पी के वैल्यू लो, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये क्या था एसिड बेस रिएक्शन का था, ये कौन सा टॉपिक सा था, ये जीओसी का था, जिसमें हम एसिड प्लस बेस का रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखो क्या कौन सी कौन से टॉपिक से उठाया, ये बताओ कौन से टॉपिक से, बताओ कमेंट तो बताओ यार, तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। द कंपाउंड पार्टिसिपेट इन डायसल्डर रिएक्शन, बताओ डायसल्डर रिएक्शन, बताओ इतना कमेंट करके बताओ डायसल्डर रिएक्शन हमारा किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, बताओ कमेंट करके बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, देखो ये हमारा ये क्या, ये एंथ्रासीन है ना, ये क्या एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन में ये जो हमारा डबल बॉन्ड ये क्या करता है टाइन की तरह काम करता है, तो इसका मतलब ये डायसल्डर रिएक्शन दे सकता। ये फ्यूरेन है, क्या है फ्यूरेन है, क्या ये डायसल्डर रिएक्शन देगा, हाँ देगा, ये फ्यूरेन क्या देता है डायसल्डर रिएक्शन, क्या ये देगा, ये ट्रांस है, ट्रांस
एल्कीन क्या होता है, डायसल्डर नहीं देता है, ये नहीं देता, ये पायरोल है, पायरोल देगा, यस देगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग सुटेबल रूट फॉर द कन्वर्जन ऑफ बेंजल डिहाइड टू एसिटोफिनोन, देखो ये क्या है हमारा एच, यहां पर ये हमारा बेंजल डिहाइड से कहां पर कन्वर्ट कर रहा है, एसिटोफिनोन में सी एच थ्री डबल बॉन्ड, ये हमारा पीएच है यहां पर कन्वर्ट कर रहा है, बताओ इसको एच को हटा के क्या कर रहा है, सी एच थ्री लगा रहा है, देखो सबसे पहले ये क्या है सी एच थ्री सीओ सी एल टू एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या करेगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री रिएक्ट कराएगा, क्या बना लेगा हमारे एसाइलिनियम आयन बना लेगा, ये क्या करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, किस पोजीशन पे, मेटा पे, तो इसका मतलब ये तो बन ही नहीं पाएगा। अब दूसरा क्या कर दिया सी एच थ्री बी एफ थ्री ओ, सबसे पहले क्या कर दिया इसको प्रोटेक्शन कर दिया, सबसे पहले क्या किया बेंजल डिहाइड को पी एच डबल बॉन्ड एच, क्या यूज किया हम लोग, देखो हम लोग मरकरी साल मरकरी के साथ क्या यूज किए, देखो एस एच एस एच इन प्रेजेंस ऑफ बी एफ थ्री, तो ये क्या अगर प्रोटेक्शन हो जाता इसका क्या होता था प्रोटेक्शन, ये हमारा प्रोटेक्शन हो गया, ये एच हो गया। अब क्या दिया है देखो, अब क्या दिया एन बी यू एल आई, एन बी यू एल आई क्या काम है, एन बी यू एल आई एन बी एल आई, ये क्या है बेस, बेस एच डी हाइड्रोजन को प्रोटेक्ट कर लेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन कर देगा, क्या बन जाएगा हमारा ये पी एच, यहां पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब क्या करेगा सर, अब देखो क्या दिया है हमारा एम ई आई, एम ई दिया है, क्या दिया है एम ई दिया है, एम ई क्या करेगा, अब यहां पर एम ई, यहां पर एम ई दिया है एम ई आई, तो एम ई आई क्या करेगा यहां से अटैक करेगा एस एन, ये क्या करेगा एस एन टू टाइप मैकेनिज्म, यहां पर इस पोजीशन पे क्या ला देगा हमें एम ई ला देगा, और यहां पर हमारा इस तरह से ग्रुप जुड़ा रहेगा एस एस, इस तरह से जुड़ा रहेगा। अब क्या दिया है सर, अब दिया है एच जी सी एल, अब इसका काम क्या है देखो हमें एच जी टू प्लस का साल्ट दिया, एच जी टू प्लस का क्या करता है इसको रिमूव कर देता है, क्या बनाता है इसको फिर से डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री पी एच, इसका मतलब हमें ये क्या सेकेंड ऑप्शन से हमारा कंपाउंड बन रहा है, हमारा सेकेंड ऑप्शन से बन रहा है, ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। अब क्या दिया एनएच टू एन एच टू एम आई, देखो एन एच टू एम आई क्या करेगा बताओ, एन एच टू एम आई क्या करेगा, सबसे पहले एन एच टू की दिया तो इसका एन एच टू क्या करेगा इस प्रोटोन को ऑब्स्टिकल कर लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, और साथ में एम यहाँ पर कीटोन बना देगा, ये क्या करेगा देखो ये डबल बॉन्ड, सॉरी नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसको,